वार्ड 45 से बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने उतरी बीनाटाक के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कार्यालय के विधिवत उद्घाटन में वार्डवासियों और समर्थकों की रही भारी भीड़। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पिछले 30 सालों से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और विभिन्न पदों पर रहे बाल मुकुंद टांक ने वार्ड 45 से अपनी पत्नी के नाम कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से नाराज होकर वार्ड 45 से अपनी पत्नी बीना टांक को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार कर बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का प्रण ले लिया। गुरुवार को श्रृंगारचौरी वार्ड 45 में वार्डवासियों और समर्थकों की भीड़ के बीच बीना टांक के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीना टांक के पति बालमुकुंद टांक ने बताया कि उन्होंने इतने वक्त तक पूरी निष्ठा और आस्था के साथ कांग्रेस की सेवा की, लेकिन जब कार्यकर्ता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है तो भारी प्रत्याशियों को उन पर थोप दिया जाता है, जबकि पहला हक उनका होता है, इसलिए कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें वार्डवासियों और उनके समर्थकों का पूरा सहयोग मिल रहा है, निश्चित ही वे जीत दर्ज करेंगे। उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, जिसकी तेज आंधी में कांग्रेस और बीजेपी तिनके की तरह उड़ जाएगी। आज जो स्थिति बनी है, मैं कांग्रेस का 25 वर्षों पुराना समर्थक रहा हूं, लेकिन हर बार पार्टी कार्यकर्ताओं को अनदेखा करती है और वही बीजेपी ने कुठाराघात किया है और वही कांग्रेस ने कुठाराघात किया उन सच्चे सिपाहियों के साथ जिन्होंने खून से अपनी पार्टी को सींचा है। और क्या हमारे वार्ड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पार्षद बन सके, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, एक भी व्यक्ति इस लायक नहीं था जो पार्षद बन सके या हमारा स्थानीय उम्मीदवार पार्टी हमें देती। दोनों पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें बोला गया स्थानीय उम्मीदवार ही मैदान में उतर जाएगा चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने वादे को तोड़ा है, अपने वादे पे खरी नहीं उतरी है। आज कार्यकर्ता रोड पे है, रोष में है और पूरी जनता उनके साथ है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जब एक एक व्यक्ति का कार्य करता है तो उसमें एक अजीब सी लहर होती है और पूरा आशीर्वाद उसको जनता को मिलता है। जनता के आशीर्वाद से कार्यकर्ता आज सभी लोगों ने मिलकर उस कार्यकर्ता को लड़ाई के मैदान में उतार दिया है कि आपको निर्दलीय से सीट लड़ने आ रही है और चुनाव चुनाव हेलीकॉप्टर है, तो भाइयों हेलीकॉप्टर उठा के और पैराशूट को रवाना करना है। वार्ड 45 से निर्दलीय हेलीकॉप्टर के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही बीना टांक ने बताया कि उनके साथ क्षेत्र की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। यहां की हर एक महिला और समर्थक खुद चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनसमस्याओं को दूर करने के लिए वह इस बार उन्हें जीत अवश्य दिलाएंगे। जय श्री कृष्णा, मैं वार्ड 45 की उम्मीदवार हूँ बीना टांक। मुझे मेरे वार्डवासियों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मुझे खड़ा किया है, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। मेरा चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, मेरे वार्डवासियों का पूरा सहयोग है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मुझे विजय बनाएं। किस तरह से काम क्या हो गया? मेरे जैसे मेरे वार्डवासी की जो भी समस्या होगी मैं उसको पूरा करूंगी। तानाजी नगर, धाननाडी, हनुमान नगर, श्रृंगारचौरी जो भी मेरा क्षेत्र आता है उसमें मैं पूरी मेहनत करके वो मेरे कार्य को विकास करवाऊंगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।